नेताजी का काफिला देखिए, जितनी दूर तक नजर जाए सिर्फ और सिर्फ गाड़ियां नजर आ रही हैं, और शहर के अंदर बीचों बीच सड़क पर गाड़ियों का ये काफिला रोककर नेताजी का सम्मान भी किया जा रहा है। माला पहने नेताजी स्वागत से गदगद हैं और बेचारी जनता ट्रैफिक से जूझ रही है, मगर इन्हें क्या फर्क पड़ता है, चुनाव का मौसम है, यही तो वक्त है जनता के बीच पहुँचने का। भले ही उनके पहुँचने से जनता को कितनी ही परेशानी क्यों ना उठानी पड़े। ये तस्वीरें गोंडा की हैं, जहां कैसरगंज से बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह पूरा माहौल बनाकर पहुंचे थे, लेकिन इसकी एवज में उन्हें नोटिस जरूर मिल गया। जी हां, लोकसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश की कैसरगंज लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के टिकट का इंतजार कर रहे सांसद बृजभूषण शरण सिंह को नोटिस मिला है। उन्हें चुनाव आचार संहिता और धारा 144 के उल्लंघन का नोटिस मिला है। आरोप है कि सांसद ने बिना अनुमति के गाड़ियों का काफिला निकाला, जगह जगह लोगों द्वारा भारी संख्या में एकत्रित होकर उनका स्वागत किया गया। जानकारी के अनुसार कई गाड़ियों का काफिला करनैलगंज कैसरगंज विधानसभा क्षेत्र से निकला। एसडीएम करनैलगंज में भी इस बात को लेकर के जवाब मांगा है कि ये सीधे सीधे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। बता दें कि ये उल्लंघन का तीसरा मामला दर्ज किया गया है। इसके अलावा बृजभूषण शरण सिंह लगातार चुनाव प्रचार से जुड़े हुए हैं। उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर काफी सारे पोस्ट हैं, जिन्हें देखकर ऐसा लगता है कि वो पूरे दमखम के साथ प्रचार में ऐसे जुटे हैं मानो पहले से ही टिकट के लिए आश्वस्त हों। इसके अलावा पीएम मोदी से लेकर अमित शाह और बीजेपी की सभी बड़ी रैलियों को भी वो अपने सोशल मीडिया हैंडल से रीशेयर करते हैं। नाबालिग महिला रेसलर के मामले को लेकर बीजेपी सांसद पहले से ही मुश्किलों में घिरे हैं और अब इस नोटिस ने उनकी टेंशन बढ़ाई है। इसके अलावा भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पॉस्को मामले में भी जल्द ही फैसला आने वाला है। वहीं अभी बीजेपी ने कैसरगंज से अपना प्रत्याशी फाइनल नहीं किया है। माना जा रहा था कि बृजभूषण शरण सिंह का टिकट कट सकता है, हालांकि बृजभूषण शरण सिंह पहले भी कई बार कह चुके हैं कि वो चुनाव लड़ेंगे। बता दें कि यूपी की कैसरगंज सीट पर पांचवें चरण में 20 मई को चुनाव होगा। इसे लेकर सभी दलों ने तैयारी की है। हालांकि बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों की 10वीं सूची तक निकाल दी है, मगर इस सीट पर बीजेपी सपा और बसपा ने अभी तक अपना कोई उम्मीदवार नहीं उतारा है। इस सीट पर पिछले 3 चुनावों से बृजभूषण शरण सिंह की जीत हुई है। पिछले 2 चुनाव में वो बीजेपी और 2009 के चुनाव में सपा के टिकट पर जीत कर सांसद बने थे, मगर अब देखना दिलचस्प होगा कि इस बार बृजभूषण की किस्मत का क्या फैसला होता है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।